होप सो। अगर ये आप लोगों के सामने जो एटमॉस्फेयर दिख रहा है आज दिन भर और रात में भी, अगर बारिश नहीं हुई, बर्फ नहीं गिरा, स्नोफॉल नहीं हुआ, तो होप सो कल हम लोगों को 8 बजे वो ग्रीन सिग्नल दे दे। प्रॉब्लम ना आले कुठे काम ही दिगा बाबा नी दिलेला धागा ना पोलिसांनी पकडलं ना गाडी बंद पडली। पूरा यहाँ पे रिवर बह रही है और उसके बाजू में टेंट से पूरे। आज की रात हम लोग टेंट में बिताएंगे। फुल ऑन एडवेंचरस ट्रिप है, फुल ऑन एडवेंचरस। Never hear me, bitch. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man. I still go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past. तो अभी का ये सीन है, हम लोग जिस्पा छोड़ के आगे आ चुके, क्योंकि हम लोगों ने जिस्पा में रुक के एक भैया से पूछा कि आगे रास्ता खुला है क्या। तो उन भैया ने कहा कि आगे रास्ता तो खुला है, लेकिन आप लोग है ना चेक पॉइंट तक जाओ। दारचा में चेक पॉइंट है पुलिस का। तो हम लोग चेक पॉइंट तक जा रहे थे। ये जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से आगे 1.5 किलोमीटर पे चेक पॉइंट है। तो हम लोग चेक पॉइंट पे जा रहे थे, तभी हम लोगों को भैया मिले। अगर वो वापिस आए, उन्होंने बताया कि पुलिस ने, आर्मी वालों ने 1 बजे के बाद रोड बंद हो जाता है। कल आ जाना आप लोग, रोड तो ऐसे खुला है। अगर कल मौसम का हाल अगर अच्छा होगा तो हम आप लोग को छोड़ देंगे। अयो जी, पूरी जड़ हो गई है मेरी ठंडी की वजह से। अंदर पूरा गर्म लग रहा है गाड़ी के, विदाउट हीटर, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट बना हुआ है गाड़ी के अंदर। हा। और यहाँ लिटरली हम लोगों को बर्फ मिली, बर्फ आगे बहुत मिलने लगी। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ऐसे बर्फ की दीवारें आगे तो बहुत मिलेगी। शायद मेरे ख्याल से एक रोड आता है, इस साइड से भी बर्फ की दीवारें और इस साइड से भी बर्फ की दीवार, बीच में से अपनी टिया हो जाएगी। टीणी टीणी टीणे। नहीं, हैंड ब्रेक कार खाली खाली गेला का। निकलने का है, चल पत्ता बोल पत्ता। गिर गर्दन काट, ये घर 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 गिर गर्दन काट का नाम सुना है क्या? ये बड़ा घाट आदमी ऊपर से कूद जाता है, इधर 3 दिन में पैराशूट से नीचे उतरते। और क्या, मैंने ब्रेक दबा कर 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 तो मैं रुका और बोले, अंशुमान तू अंशुमान नहीं, हनुमान है तू, हनुमान है। वो तो तुझे देख के लगता ही है। अरे बाप रे, आप आगे आ गए। नहीं नहीं, ले 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 ले, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती, ये भी मेरी गलती। Pain and you find a door, open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, हम लोग हैं जिस्पा में। लास्ट वाला आप लोगों ने शॉट देखा कि हम लोगों को आज परमिशन नहीं मिली। होप सो। अगर ये आप लोगों के सामने जो एटमॉस्फेयर दिख रहा है आज दिन भर और रात में भी, अगर बारिश नहीं हुई, बर्फ नहीं गिरा, स्नोफॉल नहीं हुआ, तो होप सो कल हम लोगों को 8 बजे वो ग्रीन सिग्नल दे दे।
लद्दाख में जाने के लिए, इसलिए हम लोग मैं और बाप पे तो दिल से प्रे कर रहे हैं भगवान के पास, शंकर जी के पास। आपल्याला काहीच प्रॉब्लेम नाही आला कुठे का माहिती का, बाबांनी दिलेला धागा ना, पोलिसांनी पकडलं ना, गाडी बंद पडली, काहीच नाही झालं, कुछ भी कुछ। हम लोग हॉटेल पण एवढे भारी भेटले, कमी याच्यात भेटले, एवढं सगळं भारी झालंय ना, फार सांगू शकत नाही। लिटरली लिटरली बाबाने हम लोगों को आते समय ये देवी रक्षा धागा बांधा था कि तुलजापुर की देवी क्या ना, तुलजापुर की कौन सी देवी पता नहीं, लेकिन माता का ये धागा, बाबा ने कहा था ये धागा बांध के जाओ, आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लिटरली हम लोग 2000 अभी 400 किलोमीटर होने वाली रीडिंग हम लोगों की, इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं आया हम लोग, इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं आए, और कल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और भाई हम लोग जिस काम के लिए आए, प्री वेडिंग फिल्म बनाने और प्री वेडिंग शूट करने, यहाँ पे बाप बन रही है बाप, ओ मैं और बाप पे जो फिल्म बना रहे और जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, देखोगे रील नहीं है ये, मूवी बनने वाली, पूरी मूवी बनने वाली हम लोगों की, मूवी टाइप। और ये हम दोनों का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस रहने वाला, ऑब्वियसली क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं फर्स्ट टाइम, अरे एक ही बार रहता ही। तो ये हो गया पूरा इसका। तो हम लोगों को अभी एक एक्सपीरियंस आया वहाँ से, हम लोग जब रिवर साइड टेंट ढूंढ रहे थे ना, तो हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा आगे गए थे, वहाँ पे गाड़ी अंदर घुसाई, लेकिन वो रिवर साइड टेंट नहीं था, उनके टेंट ऊपर साइड को थे, रिवर साइड, वहाँ से रिवर को नीचे उतरने के लिए जगह नहीं थी। उस बंदे ने क्या कहा पता है क्या, हम लोगों ने उसको बताया कि हम लोगों को रिवर साइड ही टेंट चाहिए, वो चूना लगा सकते थे कि यहाँ पे कहाँ पे रिवर साइड टेंट नहीं मिलेगा, आप लोगों को यहीं पे रहना पड़ेगा, हम लोग सस्ता दे देंगे। लेकिन वो बंदा इतना जेन्युइन था टूरिस्ट के साथ और इतना ह्यूमैनिटी से भरा था, उसने कहा भाई आप लोगों को जो जिस चीज़ के लिए जगह चाहिए शूटिंग के लिए, वैसी वाली जगह मेरे पास नहीं है, आप लोग आगे चले जाइए इस वाले टेंट में, वहाँ पे आप लोग अच्छे से शूट भी कर पाओगे और प्रॉपर रिवर तक जा भी पाओगे। तो यहाँ के लोगों की इतनी अच्छी ह्यूमैनिटी और इतना अतिथि को वो वेलकम अच्छे से करते हैं वार्मली, एकदम मस्त फील आ रहा है। होप सो आप लोगों को व्लॉग्स भी पसंद आ रहे होंगे। ये देवभूमि जो बोलते हैं ना, जो हाँ ऐसे नहीं बोलते इसको, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि ऐसे नहीं बोली जाती, यहाँ आइए आप लोग एक्सपीरियंस कीजिए यहाँ के लोगों की ह्यूमैनिटी, देखिए। यहाँ से बंदा चेंज होके नहीं गया ना तो वो बंदा ही नहीं। हाँ राइट बराबर है, बहुत अलग मैजिक है यहाँ पर, जो वाइब बहुत अच्छी वाइब है। साक्षी तेरा ये सेकेंड ट्रिप है, फर्स्ट ट्रिप तेरी हम्पी थी और सेकेंड ट्रिप डायरेक्टली लद्दाख है, तेरा एक्सपीरियंस क्या है? मतलब हम्पी का जो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने ऐतिहासिक मतलब विंटेज स्टाइल में जो मैंने देखा वहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा। बट डायरेक्टली मुझे ट्रिप में भी मुझे नहीं लगा कि मैं मेरे प्री वेडिंग के लिए प्लस मैं इनके यूट्यूब के लिए मैं इधर पे आऊंगी। मतलब इसको ये तो तेरे को ऐसा नहीं लगा कि आइला मेरा हस्बैंड तो ट्रैवलर निकला साला मतलब वो जाएगा तो मैं भी जाऊंगी खत्म कहानी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बट बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही यूनिक फील कर रही हूँ मैं। दोन शब्द है माझा प्रिय मित्र, एक एक में ना। और एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, मैं ऐसा इंसान हूँ बचपन से सीरियसली मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है, बहुत चिड़चिड़ होती है, और ऐसा दोनों तरफ से प्रेशर आने लगा ना, यहाँ से ये चिल्ला रहा है, वहाँ से ये चिल्ला रहा है, मैं वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता हूँ, डायरेक्ट फायरिंग चालू करता हूँ। तो इस वाले ट्रिप में वो बहुत कुछ सीखने मिल रहा है ये मतलब क्या है, ये मॉडर्न के बाद मुझे इतना देर तक अभी मिला है, तो कम से कम चार साल बाद वे इसमें मिले थे एंगेजमेंट में, लेकिन वो दो तीन दिन के लिए, दो तीन दिन नहीं रहे, डेढ़ दिन के लिए थे सिर्फ। तो अभी जो मिला है मेरे हाथ में, पूरा 4 साल का निकलना है ब्रो, मजा आली गाने तुला हम लिटरली ये मेरे को लगा स्टार्टिंग में टाइम पास कर रहा है, लेकिन डॉट में गया शूट, ऐसा वैसा मेरे को शूट ही नहीं करना, चल लो मतलब। तो 4 दिन से यही चल रहा है, प्यार मजा मस्ती गुस्सा झगड़े, ऐसी मस्त ट्रिप जा रही है हम लोगों की। हम लोग जब प्री वेडिंग शूट ले रहे थे ना, मतलब शूट वगैरह ड्रोन से वगैरह शूट ले रहे, DSLR से शूट ले रहे, हो सका तो मेरे एक्शन कैमरे से बिहाइंड द सीन शूट कर रहे, लेकिन यहाँ पे लिटरली इतनी ठंडी है कि गैजेट्स भी सही तरह से काम नहीं कर रहे, माल फंक्शन कर रहे बीच बीच में।
ये माइनस एक डिग्री अभी, हाँ अभी माइनस वन डिग्री है रात में, और भी नीचे जाएगा। लेकिन मैं शंकर भगवान से सीरियसली एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आज कितनी भी ठंड पड़ जाए लेकिन कल सुबह हम लोगों चाहिए, हाँ धूपी चाहिए, और लद्दाख को हम लोगों को ग्रीन सिग्नल मिल जाए प्लीज। मतलब अभी इतने फुटेज मिले इससे 30-35 ब्लॉग और इसके ना 7 जन्मों के प्री वेडिंग एक ही साथ हो सकते, इतने शॉर्ट है हमारे पास। क्या बताऊं आप भाई साहब, ये जो सीन, ये जो 6-7 मिनट की फुटेज शूट हुई है ना, ये मैं अलग से डालने वाला हूँ, अलग से। डेंजरस है ये, बहुत डेंजरस मेमोरी। और ये बीच में जो है उसको देख के क्रिश वाली फीलिंग आ रही है। राइट जो 90s के बच्चे ना उनके लिए इंडियन सुपर हीरो तो क्रिश ही था। हाँ राइट, मतलब कभी कभी नहीं, पहला सुपर हीरो जूनियर जी था, उसके बाद शक्तिमान आया, लेकिन बड़े, हाँ बड़े टीएमएम पे। राइट राइट राइट, बराबर प्रॉपर एकदम सब वीएफएक्स वगैरह। तो ये जो देखा ना इतनी जड़ी नॉस्टैल्जिक नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ तो कैसा किया होगा, स्क्रीन वगैरह लगा किए। लिटरली मेरे शॉट लेते समय भी हाथ कांप रहे, लेकिन ये मोमेंट बाद में नहीं आने वाला। लिटरली माइनस वन डिग्री में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो फील आ रहा है भाई साहब, आ हा हा, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम लोग। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. तो आज का जिस्पा का हम लोगों का ये कुछ ऐसा स्टे है, पूरा यहाँ पे रिवर बह रही है और उसके बाजू में टेंट से पूरे, हा हा हा, आज की रात हम लोग टेंट में बिताएंगे। फुल ऑन एडवेंचरस ट्रिप है, फुल ऑन एडवेंचरस। मैंने लिटरली ये कभी सोचा भी नहीं था कि, लेकिन मैंने सोचा था कि ट्रिप अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी तो जन्नत है छोड़ो, लेकिन जिस तरह से हम लोगों की ट्रिप स्टार्ट हुई और जिस तरह से कॉन्टिन्यू हो रही है हम लोगों की जर्नी, लाजवाब चुम्मे छोड़ी ट्रिप जा रही है हम लोगों की। आप लोगों को मैं टेंट के अंदर का व्यू दिखाता हूँ, ये पूरे कुछ ऐसे टेंट्स है और टेंट का रेट हम लोगों को 4,500 रुपीज में टेंट मिले, 4,500 में इंक्लूडिंग उनकी चाय कॉफी जितना रहेगा वो, और आज रात का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट। और ये अंदर से कुछ ऐसा टेंट है हम लोगों का, पूरा अंदर आने का कोजी कोजी फीलिंग है यहाँ पे पूरा। हम अभी जितने भी हम लोगों ने शॉर्ट्स लिए इससे पहले वाला व्लॉग आप लोगों ने होप सो देखा होगा, जिसमें मैंने और बाप ने फुल मन की बातें की है। समझ 12 मिनट चलती कट, दूसरा ब्लॉग चालू मन बोला। हाँ। और इसके अंदर वॉशरूम है, ये कुछ ऐसा वॉशरूम के लिए कंपार्टमेंट दिया गया है। हाँ कुर रहे हम लोग।